इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए शबे बारात फजीलत और इबादत की रात होती है, जिसमें मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शबे बारात में हर मुसलमान पूरी रात जागकर नमाज अदा करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि शबे बारात रहमत या मगफिरत की रात को सच्चे दिल से इबादत करने पर अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अब ऐसे में ये सवाल भी आता है कि आखिर शबे बारात में नफिल नमाज कैसे पढ़ें? क्या शबे बारात की कोई खास नमाज होती है? आइए आपको बताते हैं शबे बारात की रात किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लें कि इस साल शबे बारात 25 फरवरी को है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शाबान का महीना 14वीं तारीख को सूरज डूबने के बाद मनाया जाता है। शाबान रजब महीने के बाद आता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पीर यानी 12 फरवरी को शाबान महीने की शुरुआत होगी और 25 फरवरी यानी शाबान महीने की 14वीं और 15वीं तारीख के बीच की रात को शबे बारात मनाई जाएगी। हालांकि शाबान का चांद नजर आने के बाद ही शबे बारात की सही तारीख तय होती है। इस्लाम में हर रात और दिन इबादत की रात है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे न जाने क्या क्या गुनाह हो जाते हैं। लेकिन शबे बारात की रात की बहुत अहमियत है, क्योंकि इस रात को अल्लाह पाक आने वाले साल की पूरा लेखा जोखा लिख कर देता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शबे बारात की नमाज का तरीका क्या है। तो आपको बता दें कि शबे बारात की कोई खास नमाज तो नहीं होती, लेकिन नफिल नमाज जरूर पढ़ी जाती है। तो नफिल नमाज आप कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस नमाज को पढ़ने के लिए नियत करते हैं, उसके बाद शबे बारात की नमाज की 6 रकत नमाज को 2-2 रकत करके पढ़ना है। नमाज की नियत यानी शबे बारात की नियत कैसे करनी है ये भी बताएंगे। कोई भी नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले नमाज की नियत की जाती है, वैसे ही आपको नियत करनी है। जैसे आप नफल नमाज पढ़ने के लिए नियत करते हैं, सबसे पहले शबे बारात की 2 रकात नमाज की नियत करें। नियत का तरीका, इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लें, फिर आप बाकी नमाज में नफल अदा करते हैं, उसी तरह से नफल नमाज अदा करें। नमाज मुकम्मल होने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास, फिर 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करें। अगर आप 2 लोग साथ में नमाज पढ़ते हो तो 21 मरतबा सूरह इखलास के बाद जब सूरह यासीन पढ़ने का वक्त आए तो दोनों में से कोई भी एक सूरह यासीन की तिलावत बुलंद आवाज में कर सकता है। दूसरा इंसान उस वक्त को यानी सूरह यासीन को एकदम खामोशी से सुनेगा। इस तरह से शबे बारात की पहली 2 रकात नमाज अदा कर ली जाएगी। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली सय्यदिना इब्राहिम इन्ना हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन अला आली सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहिम व अला आली सय्यदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।